हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माफिया स्टोरीज़ हैं उनमें मैंने आप लोगों को कुछ नॉवेल्स और कुछ ऑडियो बुक्स जो हैं वो बताई थी। आप लोगों ने मुझसे लिस्ट मांगी थी तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। बट क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि दीदी, जो आपने स्टोरी बताई है फर्स्ट वाली, वो जो है वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो, मैंने ना चेक नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने इसका रिव्यू बना दिया था, यानी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी थी, तब तक तो ये स्टोरी थी वहाँ पर प्रतिलिपि ऐप पर। बट उसके बाद जो है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। बट कल जब आप लोगों ने मुझसे बोला, एक ने बोला होता तो बात अलग थी, बट सब ने ही मुझे बोला, तो मैंने जाके उसे चेक किया तो मुझे पता चला कि जो स्टोरी है वो हटा दी गई है वहाँ से। बल्कि जो ऑथर हैं उनकी सारी जो स्टोरीज़ हैं ना, वो वहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। और मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो स्टोरी है जिसका नाम है माफिया बॉस एंड लव विद नॉटी गर्ल, ये जो स्टोरी है अब अवेलेबल नहीं है प्रतिलिपि पर। और ये कहाँ अवेलेबल है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहीं और नहीं मिली। मैंने तो प्रतिलिपि से ही इसको रीड किया था और स्टोरी जो है वो अच्छी थी। मैंने इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं रिव्यू वीडियो का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और रही बात स्टोरी की, तो यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मैं कहाँ से उस स्टोरी को प्रोवाइड करूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरा कॉन्टैक्ट हो पाता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, या फिर क्यों जो है स्टोरी को रिमूव कर दिया गया और क्या इसके पीछे रीजंस थे। वैसे तो यार देखो, इसका तो ऑथर के ऊपर ही है कि भाई उनकी स्टोरी है, अब वो रिमूव कर दी उन्होंने, तो इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कह सकती। बट उनकी जितनी भी स्टोरीज़ थी ना, मैंने चेक किया, वो रिमूव हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इनकी एक स्टोरी नहीं, कई सारी स्टोरीज़ जो है वो रीड की थी, तो बट वहाँ पर एक भी अब अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों को कमेंट्स में जवाब देने की बजाय एक वीडियो में ही बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे, ये तो मुझे पता नहीं, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कुछ चीज़ें बदल पाती हैं तो। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है वो पसंद आती होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।